पालीताणा यानी कि शत्रुंजय जैन तीर्थ पर कब्जा करने की कोशिश। अने जो 5 वर्ष ने अंदर आ जैन नगरी मटी जाए ने सनातन नगरी नो થઈ જાય તો હું સાધુ બનું છું નો જો આપણે આટલું કરશું કોઈના બાપની તેવડ નથી તમને રોકી શકે। पालीताणा जैन तीर्थ यानी कि शत्रुंजय गिरिराज को लेकर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में देश विदेश के जैनों में अत्यंत चिंता और असमंजसता है, यानी कि कंफ्यूजन की सिचुएशन चल रही है ऐसा लगता है। भारी संख्या में लोगों के द्वारा प्रदर्शन हो रहे, 18 दिसंबर को तो हजारों की संख्या में लोग आवाज उठाने पालीताणा पहुंच गए थे। काफी लोग चिंतित है और काफी लोग कंफ्यूज्ड है कि आखिर शत्रुंजय में चल क्या रहा है, आखिर तीर्थ में क्या समस्या चल रही है और ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है। इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ऐसे विषयों में जैन मीडिया का भी ये दायित्व बनता है कि हम सही जानकारी हमारे जैन भाई बहनों के साथ शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल में यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक जैसा है वैसा हम आपको सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ एक वीडियो में डिटेल में बताना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मेरा गिरिराज नाम की सीरीज में हम एक बाय एक एपिसोड के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ये सब कुछ क्रम में होगा, इसलिए एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड ऐसे ही देखना होगा, वरना अगर बीच में से देखेंगे तो अधूरी जानकारी ही प्राप्त होगी। ये सीरीज वर्तमान में शत्रुंजय में क्या क्या समस्याएं चल रही है और उनको लेकर जैन समाज की सरकार से क्या मांगे है, क्या गुजारिश है और किन चीजों का हम विरोध कर रहे हैं देखेंगे डिटेल में। प्रस्तुत है मेरा गिरिराज का एपिसोड 1। सबसे पहले हम जो मेन पॉइंट है जहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई थी वो देखेंगे। अनंत सिद्धों की भूमि श्री शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर सूरज कुंड के पास में गढ़ के अंदर एक छोटा सा लगभग 350 साल पुराना नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। ये मंदिर जैन समाज के पूर्वजों द्वारा गिरिराज के ऊपर बनवाया गया था, लेकिन आखिर जैन समाज के लोगों द्वारा ये मंदिर क्यों बनवाया गया? उसका कारण ये था कि आज से 350 साल पहले जब शत्रुंजय गिरिराज पर जिनालय के निर्माण का काम चल रहा था तब वहां जितने भी कारीगर मजदूर वॉचमैन कर्मचारी आदि लोग काम कर रहे थे वे सभी ऑलमोस्ट जैनेतर यानी कि नॉन जैन्स थे। उस वक्त गिरिराज पर जैसे अभी पक्की सीढ़ियों का रास्ता है वैसे तब नहीं बना था, तो इस कारण से इन सभी कर्मचारियों को काम के कारण गिरिराज के ऊपर एक या एक से अधिक महीने तक रुकना पड़ता। इन कर्मचारियों के खाने रहने आदि सभी की व्यवस्था जैन समाज द्वारा गिरिराज पर की जा रही थी। इन जैनेतर लोगों को यानी कि नॉन जैन्स कर्मचारियों को अपने धर्म से वंचित ना रहना पड़े और उनमें से जो आस्तिक वर्ग है वो अपने धर्म की आराधना कर पाए, इस शुभ भाव से जैन समाज के पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण गिरिराज पर करवाया था। ये मंदिर जैन समाज के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया है ऐसा हम नहीं कह रहे, इस बात का सबूत यह है कि इसका उल्लेख कई डॉक्यूमेंट्स में किया गया है और इसके अलावा आज से 150 साल पहले परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब हुए थे उनके द्वारा इस मंदिर का इतिहास कोर्ट में भी बताया गया था। उन्होंने कोर्ट में सभी के सामने ये कहा था कि मैंने अपने समुदाय के बुजुर्ग महात्माओं से ये जाना है कि ये मंदिर जैन समाज के द्वारा अजैन लोगों को गिरिराज पर जिनालय के निर्माण के काम से वहां थे उनके धर्म की रक्षा करने के लिए बनाया था। ये पूरा वाक्य भी डॉक्यूमेंटेड है, प्रूफ्स है। नीलकंठ महादेव जी के इस मंदिर की सार संभाल का कार्य सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी जो कुमारपाल महाराजा द्वारा बनवाए गए जिनाले की भी सार संभाल करता है उसके द्वारा हो रही है। इस मंदिर में जिस भी द्रव्य की आवश्यकता है जैसे कि दूध पुष्प आदि द्रव्य सब आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी द्वारा गिरिराज पर जैन मंदिर में जो द्रव्य जाते हैं उसी के साथ यहाँ भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैन समाज ये नहीं चाहता है कि गिरिराज पर आए हुए इस मंदिर में कोई भी ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया हो जो जैन सिद्धांतों के विरुद्ध हो, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस फैसले को कोर्ट ने मंजूरी दी है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो जैन समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। यह हुई बात मंदिर के लीगल पोजीशन की। इसमें एक बात क्लियर है कि जो माननीय गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर में लिखा गया है और जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है वो ये है कि नीलकंठ महादेव जी के इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति पूरी रात नहीं रह सकता है। इस मंदिर में किसी भी तरह का खाना पीना अलाउड नहीं है और खाना पीना तो दूर की बात, इस मंदिर में किसी भी तरह का प्रसाद भी बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका भी उल्लंघन किया जा रहा है जो आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मंदिर में पानी के अलावा किसी भी तरह की ड्रिंक्स का यूज नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब कोई भी ये ना समझे कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कोर्ट भी ये बात समझता है कि इन सभी रूल्स का मेन मोटिव यही है कि वहां पर रहे हुए अजैन कर्मचारी अपनी आस्था से और अपने धर्म से वंचित ना रहे। बस कोर्ट ने भी इस चीज की मान्यता दी है कि ये शत्रुंजय तीर्थ जैनों के लिए परम पवित्र तीर्थ है और उनकी आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, इसलिए नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में किए जाने वाले कोई भी रिचुअल्स यानी कि रीति रिवाज जैन समाज के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, इसलिए कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये चीजें क्लियरली मेंशन की है। कई लोगों को ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी कंडीशंस क्यों,
देखिए, कर्मचारी अपने धर्म से, अपने आराध्य से वंचित न रहे, इसलिए ये मंदिर बनवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मंदिर में आचरण यानी कि कंडक्ट के नीति नियम, रूल्स रेगुलेशंस भी जैन कम्युनिटी बना सकती है। ये गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर के वर्डिंग्स है और इसको आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है, अर्थात पूजा आदि कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी रिचुअल नहीं होना चाहिए जो जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। वर्तमान में इन सभी चीजों पर विवाद करने वाले शरणानंद बापू, जो श्री शत्रुंजय तीर्थ से कुछ दूरी पर नाना राजस्थली गांव आता है, वहां पर उनका आश्रम है, वो पालीतना में आते जाते रहते हैं। उनका ये कहना है कि नीलकंठ महादेव जी का मंदिर सनातन समाज द्वारा बनवाया गया है और इस मंदिर में सभी सनातनियों को हर रोज आना चाहिए ताकि वहां पर सनातनियों का प्रभाव बढ़े। इतना ही नहीं, वो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि हर 13 के दिन शिवरात्रि मनाई जानी चाहिए और वहाँ रात्रि जागरण भी करना चाहिए, और वो न हो सके तो देर रात तक पूजा वगैरह अलग अलग गांव से आकर लोगों को करनी चाहिए। ऐसी अलग अलग बातें कहकर उकसाने का, बहकाने का, भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि ये मंदिर जैन समाज के पूर्वजों द्वारा नहीं, उनके समाज द्वारा बनवाया गया है। उनका ये कहना है कि नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि के दिन रात भर रुकना चाहिए और वहां रात भर पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनकी ये डिमांड भी है कि नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में आनंद जी कल्याण जी पेड़ी द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी नहीं, बल्कि उनके समाज के द्वारा कोई पुजारी होना चाहिए, जबकि कोर्ट के ऑर्डर में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इस मंदिर में या तो आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी अथवा स्टेट द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी, वो भी आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के कंसल्टेशन करने के बाद ही वहां की सार संभाल करने के लिए रख सकते हैं। अन्य किसी के भी द्वारा नियुक्त किए गए पुजारी की कोई भी बात यहाँ पर बीच में नहीं की गई है। इस कारण से इनके द्वारा की गई डिमांड बिल्कुल ही बेसलेस है। उनकी इस डिमांड को देखकर यही लगता है कि वो यहाँ कब्जा करने का इरादा रखते हैं और उसी कारण ये सभी डिमांड्स को वो इस तरह गांव-गांव में जाकर लोगों को भड़काने वाला भाषण देकर कर रहे हैं। शायद इसलिए उन्होंने अपना इंटेंशन क्लियरली कह दिया है कि अगर सोमनाथ द्वारका जैसे इधर आने लगेंगे तो हम 5 साल में पालीतना को जैन नगरी मिटाकर सनातन नगरी बना देंगे। आप खुद इनका वीडियो देख सकते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर छे ત્યાં જેમ આપણે સોમનાથ જાય છે, દ્વારકા જાય છે, અંબાજી જાય છે, એમ તમે જાવા મળો અને જો 5 વર્ષની અંદર આ જૈન નગરી મટી જાય અને સનાતન નગરી ન થઈ જાય તો હું સાધુ બોલું છું ન તમને। આજે જૈન નગરી કહેવાય છે કે જૈન નગરીની માલિકા ઉદ્યોગો નથી આવતા, શું કામ નથી આવતા, એને મજૂરો મફત ના મળે એટલા। નીલકંઠ મહાદેવ ઉપર ધજા ચડે અને ગામના 25,000-5,000 પોલીસ મૂકી દો, ફલાણું એ બધા એ કર્યા કરશે, આપણે ખાલી જવાનું છે હર હર મહાદેવ કરવા। આ આપણી શક્તિ છે, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पालीतना में रोहिशाला में स्थित आदिनाथ भगवान के 500 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन पगलिए थे, वो 26 नवंबर को तोड़े गए, खंडित किए गए, और ये घटिया और निंदनीय काम इनके भड़काऊ भाषण देने के कुछ दिनों के बाद ही हुआ है। हो सकता है कि इसी भड़काऊ भाषण के बहकावे में आकर किसी ने जैनों के विरोध में रोहिशाला में स्थित आदिनाथ भगवान के प्राचीन पगलों को खंडित कर दिया हो, तोड़ दिया हो। ये मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ दावे से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब तो हर कोई समझ गया होगा कि इस तरह से कल कोई भी आकर शत्रुंजय जैन तीर्थ पर कब्जा न करे, इसीलिए इतनी कंडीशंस गुजरात हाईकोर्ट द्वारा रखी गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं मान्यता दी है। शरणानंद बापू को जो जैनों के प्रति व्यवहार है, उससे वे जैनों और अजैनों जो अभी तक भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक समाज में रह रहे हैं, उनके बीच उन्हें भड़का कर वैमनस्य फैला रहे हैं, शांति भंग करने का कार्य कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जैन लोगों ने कभी जात पात के भेदभाव किए बिना सभी की मदद करने का हमेशा जज्बा रखा है, चाहे वो डोली वाले हो या कोई कर्मचारी हो, सभी की जरूरतों का ख्याल जैन समाज ने रखा है। पालीतना में आज की जो इकोनॉमी है वो भी ज्यादातर जैनों पर निर्भर करती है, ये वास्तविकता है जो पालीतना का हर एक स्थानीय व्यक्ति भी जानता है और मानता है। अनुकंपा जीवदया आदि जैनों के मूलभूत सिद्धांत है और धार्मिक सातों क्षेत्रों के प्रति ज्यादा से ज्यादा बहुमान और आदर भाव रखते हैं, जिन्हें जैन समाज के लोग भली भांति फॉलो भी कर रहे हैं।
ये किसी को बताने की या प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो शरणानंद बापू और इनके साथ ही मना भरवाड़, भरत राठौड़ वगैरह लोग जिन्हें एंक्रोचमेंट, लैंड ग्रैबिंग आदि में इंटरेस्ट है, और वैसे लोग जिन्हें माइनिंग माफिया के साथ रहना है, जिन्हें दारू के अड्डे वालों के साथ रहना है, या जो भी जैन सिद्धांतों के विरुद्ध करना है, उन सभी से हमें ऐतराज है। इन सभी को लेकर हमारा पूरा विरोध है, क्योंकि इनके द्वारा किए गए कार्य जैन तीर्थ की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो घाव रोहिशाला के दादा के पगलियों पर किया गया है, वो सिर्फ वही नहीं बल्कि जैनों के दिल पर भी किया गया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक जैन धर्मी का शत्रुंजय से विशेष नाता होता है। जैन धर्म में जब एक बच्चे का जन्म होता है, तब माता पिता का सबसे पहला सपना यही होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम हमारे बच्चे को शत्रुंजय की यात्रा करवाए। शत्रुंजय सिर्फ एक पर्वत नहीं, हमारे हृदय की धड़कन है। गिरिराज हमारी आस्था का केंद्र है। अनेक महापुरुषों ने इस गिरिराज के लिए अपना बलिदान दिया है, और तब जाकर के ये गिरिराज आज हमें सुरक्षित मिल पाया है। लेकिन अब हो रही अशांति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित गिरिराज देना चाहते हैं। बस श्री शत्रुंजय गिरिराज की कुछ समस्याएं हमने देखी। अगले एपिसोड यानी कि मेरा गिरिराज के एपिसोड 2 में हम देखेंगे कि किस तरह शत्रुंजय पर गैर कानूनी कार्य चल रहे हैं, और जिन पर हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाए। ये कार्य हमारे तीर्थ की रक्षा का है, इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि पूरा विषय डिटेल में जानकर तीर्थ रक्षा के लिए आवाज उठाएं। हमारा विरोध भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। हमारा इरादा लोगों को आपस में लड़ाने का बिल्कुल भी नहीं है। हम तो शांति से हमारे शत्रुंजय गिरिराज की भक्ति करना चाहते हैं। हम हमारे गिरिराज की असामाजिक तत्वों से रक्षा करना चाहते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय जिनशासन, जय महावीर।